Part of the lecture was not shooting in the air. Mashallah, thank you so very much. Aim. The I whole A was like the why judging people by defining them on the terms of Islamic and what their purpose in life is only in terms of Islamic. You give me a better purpose of life. Why you give me give a better purpose. I'm not trying to educate anyone. I, I want think to be educated. Different. I'm a student, sister. I love being educated. You Great, may Wait, but like you don't educated. let people speak. <laughs> sorry? You don't let people speak. You just go on and on. I'm giving I'm you a chance to speak, sister. Speak. बिसमीम अलकुम दोस्तों दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक दीन इस्लाम के बहुत बड़े मुबलक हैं और दुनिया भर से लाखों बल्कि करोड़ों लोग उनके चाहने वाले हैं डॉक्टर जाकिर नाइक की जहां कई खूबियां हैं उनमें से एक बड़ी ख़ूबी यह है कि उनमें बर्दाश्त और तहमुल और सब्र बहुत ज़्यादा है अक्सर आपने इस में देखा होगा कि लोग डॉक्टर जाकिर नाइक की ज़ात पर कीचड़ उछालते हैं और उनके खिलाफ बात करते हैं इसके अलावा लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़े होकर नबी करीम करीमल और दीन इस्लाम से मुतालिक इंतहाई सख्त सवाल भी कर देते हैं जिन्हें सुनकर किसी भी मुसलमान को गुस्सा आ सकता है मगर डॉकि नायक ऐसी हाल में भी सब्र तहमुल और बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ते मगर एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नायक को इस हद तक गुस्सा दिला दिया था कि सवाल करने के बाद डॉक्टर जाकिर नायक जब जवाब दे रहे थे तो उस मौके पर डॉक्टर जकििर नायक ने गुस्से में यह तक कह दिया था कि यह लड़की हमें सबक सिखाने आई है और उसके बाद सूरत क्या हो चुकी थी कुछ झलकियां देखिए फिर हम आपको इस पूरे वाकये के हवाले से तफसील से बताते हैं और उसके बाद वीडियो के आखिर में दोस्तों आपकी राय जानने के लिए हमारा एक अहम सवाल भी आपके लिए तैयार है पहले देखिए कि इस लड़की ने बदतमीजी की सभी हदें किस तरह से पार कर दी फिलिंग I have heard, heard his answer. What is to be the judge? How many people will follow you? How many people follow I me? Don't want we'll come to know later on. So next time when you give a lecture. दोस्तों आपने देखा कि सूरत हाल इस हद तक कशीदा हो गई थी मगर हम इस वीडियो में आपको उर्दू जबान में तर्जुमे के साथ मुकम्मल तौर पर बताने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था और ये वीडियो देखने के बाद आपको डॉक्टर झकिर नाइक से अकीदत और महब्बत में मज़ीद इजाफा होता नजर आएगा क्योंकि डॉक्टर जकििर नायक जैसे बड़े आलम और बड़े मुबल का इतना सब्र तहमल गैर मुतव था सवाल करने वाली लड़की ने कहा था कि मेरा नाम सबी है और मैं एक तलब इल हूँ इस लड़की ने कहा था कि मैं आप पर वो ही इल्जाम लगा रही हूं जो आप दूसरे लोगों पर लगाते हैं यानी कि आप अपनी बात को सही साबित नहीं कर पाते तो आप ऐसे मौके पर ज़बरदस्ती अपने आप को दुरुस्त साबित कर देते हैं जबकि आप बात दुरुस्त नहीं कर रहे होते बहुत से मौक़ों पर आप ऐसा करते हैं कि आपके दिल में जो आता है आप इस्लाम या दीगर मजाब से मुतक वो कह देते हैं और किसी भी तरह से अपनी बात को दुरुस्त साबित करने के लिए आप अपने आप को किसी ना किसी हवाला देकर ख़ुद को ज़बरदस्ती ही ठीक साबित कर देते हैं जबकि आप दुरुस्त नहीं कह रहे होते और उस

एन वस्त यानी दरमियान में अगर तीर फेंक दिया जाए तो उससे सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं और इस अमल को बुल्ज आय कहते हैं यानी कि तीर ठीक निशाने पर लगा हो इस लड़की ने कहा था कि मैं आप पर इल्जाम लगा रही हूं कि आप तीर गलत जगह पर मारते हैं और उसके बाद तख्त का मरकज उठाकर उस तीर के सामने ले जाते हैं और यूं कहते हैं कि आपका तीर ठीक निशाने पर लगा है आपने आम अल्फाज में सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं हवा में तीर चलाना इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नायक पर लगभग यही इल्जाम लगाया था so, कहा इल्जाम लगाया है कि मैं भी हवा में तीर चलाता हूँ मेरी बहन मुझे ये बताओ कब मेरा तीर गलत निशाने पर लगा और कब मैंने जान बूझ कर बोल जाए को तीर के सामने कर दिया और अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए जोर जबरदस्ती की मुझे बता दीजिए की मैंने कहा ऐसा किया मैं आपकी बात को तस्लीम कर लूंगा I give example. Now you sister give me an example in my lecture. Which part of my lecture was shooting the arrow I in I the air it. and drawing a bullseye. If not, then I would tell you that you are shooting in the air and then drawing the bullseye. But you already said it. Sister, which part of my lecture? I give you a chance to reply. डॉक्टर जाकिर नायक को दरअसल इस इल्जाम पर बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने कहा था कि अगर आपने अपने इस इल्ज़ाम को दुरुस्त साबित न किया तो फिर मैं आपको यहीं पर खड़े खड़े बताऊंगा कि आपने कब हवा में तीर चलाया और फिर खुद ही उसको बुल्ज़ आय डिक्लेयर कर दिया यानी अपनी बात को ख़ुद ही खुद ठीक से कहा कि मैं ठीक कह रही हूँ जब डॉक्टर जाकिनाक ने इस लड़की को कहा कि मुझे मिसाल दो कि मैंने कब ऐसा किया तो इस लड़की के पास कोई जवाब नहीं था और वो आएं बाएँ शाएँ करने लगी इस मौके पर इसने कहा कि आप ज़िंदगी का मकसद लोगों को समझाने के लिए दीन इस्लाम से मिसालें देते हैं जबकि आप आपका काम यहाँ पर यह होता है कि आपको सभी मजहब के लोगों को मुतम करना है लिहाजा किसी एक मजहब से आप मिसालें नहीं दे सकते और आप का मकसद में नाकाम रहते हैं डॉक्टर आ गया था कि वो भी बहस बरए बहस करने पर उतर आए थे डॉक्टर झकिर नायक ने कहा कि फिर मुझे आप समझा दें कि जिंदगी का मकसद क्या होता है आप बता दीजिए Give you better इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी बात मुकम्मल भी नहीं की थी कि ये लड़की बीच में बार बार बोले जा रही थी डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि मेरी बहन आप पढ़ी लिखी मालूम होती हैं। आपको चाहिए कि जब आपने मुझ पर ये इल्जाम लगाया है कि मैं हवा में तीर चलाता हूं, तो आप मुझे बता दीजिए की मैंने कब ऐसा किया आप मुझे इसकी एक मिसाल दे दीजिए लेकिन इसके बावजूद इस लड़की का रवैया क्या था आपको दिखाते हैं That I I have done something, I agree with you. you Prove me. But he he Produce your proof if are truthful. Part of my lecture. इस मौके पर डॉक्टर जाकिर नायक ने कुरने पाक की आयत का हवाला देते हुए कहा कि कुरान पाक कहता है कि अपनी बात को जब कुछ इल्जाम लगाओ तो सबूत के साथ साबित करो अब आप साबित करें मैंने कब हवा में तीर चलाया लेकिन चूंकि ये लड़की डॉक्टर जाकिर नायक की बात के बीच में बार बार बोल रही थी लिहाजा इस इजमा की मैनेजमेंट और टेक्निकल टीम की जानव से इस लड़की का माइक्रोफोन बंद कर दिया गया था और उस मौके पर डॉक्टर जाकिर नायक का गुस्सा नजर आया जब इस लड़की ने बोलने की कोशिश की और इस लड़की का माइक्रोफोन बंद था तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इसका माइक खोल दीजिए ये हमें सबक सिखाने आई है I'm a student sister. I love being educated. जो ही इस लड़की का माइक्रोफोन ऑन हुआ तो जाकिर नाइक के जवाब देने की कोशिश की और कहा की मैं यहाँ पर किसी को सबक पढ़ाने या सिखाने नहीं आई हूँ मैं तो यहाँ पर आपसे सवाल करने के लिए आई हूँ डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी कहा की मैं तो एक तलब इम हूँ मुझे कोई भी सिखा सकता है आप भी मुझे सिखा सकती है अब एक बार फिर से बात असल मुद्दे से हटकर कहीं और जा चुकी थी और इस लड़की ने एक और इल्जाम लगा दिया था कि आप तो दूसरों को बोलने ही नहीं देते आई लव एजुकेटेड यू लेट पीपल स्पीक सॉरी यूट लेट पीपल स्पीक यू जस्ट गो ऑन एंड ऑन आई एम गिविंग चांस टू स्पीक सिस्टर स्पीक मगर डॉक्टर जाके नायक ने इस मौके पर कहा कि चलें आपको बोलने का मौका देते हैं आप बोलिए आपको क्या कहना है सारी बहस एक तरफ रखते हैं इस लड़की ने कहा कि मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सब लोगों के ख्याल बदलने की कोशिश करते हैं मैं ये नहीं कह रही कि आप उन्हें इस्लाम की जानब लाने की कोशिश करते हैं मगर आप सब लोगों के ख्याल को बदलने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो उस रास्ते पर चलें जिस पर आप चाहते हैं लेकिन हर इंसान की अपनी एक फितरत होती है और वो उस फितरत को नहीं छोड़ सकता तो आपने ये ठेका क्यों ले रखा है कि आप लोगों को मुसलसल तब्दील करने की कोशिश में लगे रहते हैं डॉक्टर जाकिर नागर ने इस मौके पर कहा कि मगर मैंने आपसे ये पूछा है कि जो आपने मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं हवा में तीर चलाता हूँ, वो साबित करें उसका जवाब आपके पास है या नहीं आप तो बस इधर उधर की आय बिशाएं कर रही हैं डॉक्टर जाकिर नायक ने ये कहने के लिए कि आप इधर उधर की बातें कर रही हैं अंग्रेजी जबान का मुहावरा इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने कहा कि यू आर बीटिंग अराउंड द यानी कि आप झाड़ी को पकड़कर उसके इर्द गिर्द घूमे जा रही हैं और आए आय बाईशाएं कर रही हैं। मुझे मेरे सवाल का जवाब दें मगर इस बात से ये लड़की और ज्यादा गुस्सा कर गई और उसने कहा I will answer whatever you want me to answer. No, sister. I'll answer it in my way. इस लड़की ने कहा था कि मैं आए बाएँ शाये नहीं कर रही और ना ही मैं झाड़ी के इर्द गिर्द घूम रही हूं मैं अपना सवाल कर रही हूं दरअसल आप मुझसे वो सुनना चाहते हैं जो आप चाह रहे हैं कि मैं वो बोलूं लेकिन मैं वो बोलूंगी जो मेरा जी चाहेगा मैं आपके कहे हुए अल्फाज नहीं बोलूंगी जबकि डॉक्टर जाकिर नायक ऐसा नहीं चाह रहे थे डॉक्टर जाकिर नायक ने सिर्फ इतना कहा था कि मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया है कि मैं हवा में तीर चलाता हूँ और बेमानी बेहवा जात की बातें करता हूँ तो आप वो साबित कर दीजिए क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक की सबसे बड़ी वजह है शोहरत यही है कि वो कुरान पाक बाइबल वेदा दीगर की तमाम तर तमामी किताबों से हवाला जात देकर बात करते हैं यानी वो हवा में तीर नहीं चलाते लिहाजा इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नायक की सबसे बड़ी खूबी पर ही इल्जाम लगा दिया था यही वजह थी कि डॉक्टर जाकिर नायक बहुत गुस्से में थे अभी यह बहस जारी थी कि ये लड़की गुस्से में एहताजन माइक्रोफोन के सामने से हट गई और वहाँ से ये इल्ज़ाम लगाती हुई चली गई कि ये तो किसी को कुछ बोलने ही नहीं देते यह कह कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई मगर डॉक्टर जाकिर नायक ने अपनी गुफ्तू का अख्ताम अच्छे कलिमात पर किया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप अगली बार जब आएँगी तो हमारी कुछ ऐसी बहस नहीं होगी दोस्तों ये पूरी वीडियो आपने उर्दू तर्जुमे के साथ देखी और समझी है आप भी जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नायक की सबसे बड़ी ख़ूबी यह है कि वो कुरान पाक हो बाइबल हो वेदा हो या दुनिया की कोई भी मजहबी किताब हो उन्होंने उसका मुता करने के बाद उसके हवाला के साथ बात करते हैं और रेफरेंस देकर कुरान पाक का चैप्टर नंबर आयत नंबर सूरा का नाम सब कुछ बताकर बात करते हैं इसके बावजूद इस लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक पर यह इल्जाम लगाया है आपका क्या ख्याल है आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है क्या ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के सबसे वसी मुताले को बदनाम करने की एक साजिश है या ऐसी कोई कोशिश है दोस्तों आपकी इस मामले पर क्या राय है कॉमेंट कर, कर जरूर अपनी राय से आगा कीजिएगा याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानब से अंग्रेजी जबान में की गई गुफ्तु का उर्दू तर्जुमा लाती है वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इस तरह की वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं